दिवाली पर बंगाल में सितरंग का साया, तेज रफ्तार से बढ़ रहा चक्रवात सितरंग, बंगाल उड़ीसा समेत नॉर्थ ईस्ट में थमे लोगों की सांसें, बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ चक्रवर्ती तूफान सितरंग तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है। 25 अक्टूबर को इसके पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित दक्षिण जिलों में सोमवार की सुबह हल्की बारिश हुई। उत्तर बंगाल की खाड़ी में उठे सितरंग तूफान के तट के करीब आने से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके मद्देनजर दिवाली के जश्न में खलल पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवर्ती तूफान और इसके गंभीर चक्रवर्ती तूफान में बदलने की संभावना के कारण मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वो 25 अक्टूबर 2022 तक समुद्र में न जाए। विभाग ने बताया है कि तूफान सोमवार की सुबह सागर द्वीप से लगभग 430 किलोमीटर दक्षिण केंद्रित था। विभाग ने संभावित नुकसान की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि फूस की झोपड़ियों को नुकसान होने की संभावना है। विभाग ने अपनी एडवाइजरी में बताया है कि तूफान के कारण कच्ची सड़कों को बड़ा नुकसान और पक्की सड़कों को मामूली नुकसान हो सकता है। इसी के साथ नगर पालिका के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। विभाग की चेतावनी को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। प्रशासन ने दक्षिण 24 परगना के नदी तटों की सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।